तो रोहित जी, मैं भी जरूर जानना चाहूंगी रंजना जी के बारे में कि आप लव कपल हैं और आगे जाके हो सकता है कि लोगों के आइडल लव कपल भी बन जाएं, तो क्या कहना है आपका? बस कहना यही है कि अभी यहाँ पे ना आंखों ही आंखों में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी शादी नहीं हुई है, हम पहली बार यहाँ पे बैठे हुए हैं। आंखों मरटणी पानी मरिंगणी, हे विधाता हमुन तेरु क्या जिकुए। यहाँ पे क्या हर जगह अगर कंटिन्यूटी ना हो तो फिर काफ़ी दिक्कतें आती है वापसी करने में, कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था वो पूरे उत्तराखंड को, जिसके बारे में लगभग पता ही है। मैं सिंगर ना होता तो चंदी बटेणा भेजी कुर्ती कॉलर मा मेरे भनुली जाए छा ब्यूटी पार्लर मा। वेल, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि रीता को क्या हो गया, आज बड़ा गुनगुना रही है। वैसे गुनगुना इसलिए रही हूँ क्योंकि कुछ गाने ऐसे होते हैं ना दोस्तों, जो जहन से उतरते नहीं है, चाहे वो कितने भी पुराने क्यों ना हो जाए, और बचपन में हम इन्हीं गानों को देख कर बड़े हुए हैं। तो चलिए काम करते हैं कि जिन्होंने इन गानों में आवाज़ दी उनसे जो है आपकी मुलाकात करवा देते हैं, रूबरू करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ रोहित चौहान की, जिन्होंने हमारे बचपन को बोले तो एकदम मस्त वाला बचपन बनाया है। तो अभी मैं उनके घर के बाहर खड़ी हूँ, तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास अंदर हो रहा है। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए, और बहुत सारी बातें आज हम करने वाले हैं। हाय रोहित जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर। हाय, मैं बढ़िया। हाय रंजना, वेलकम वेलकम। चलिए हमारी टीम तो यहाँ पे पहुँच चुकी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आँखों मरटणी पानी मरिंगणी, आँखों मरटणी पानी मरिंगणी, हे विधाता हमुन तेरु क्या जिकुए। मेरे पितरों की बसई टीरी पानी जुगता हुए, कैके लगी होली नजर मेरी प्यारी टीरी तुए। वाओ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और ये गीत सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, और पूरा म्यूज़िकल समा बंद रखा है यहाँ पे, दर्शकों को देख सकते हैं आप। फिलहाल तो रोहित चौहान जी मेरे बगल में बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले स्वागत करते हैं उनका। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हॉलीवुड न्यूज़ शो में रोहित जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ रंजना जी भी हैं। थैंक यू रीटा। जी, और यहाँ पे अभिषेक मिश्रा और साथ में उनके आयुष भी यहाँ पे मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, बहुत ही म्यूज़िकल समय यहाँ पे बन चुका है, तो हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं रोहित चौहान जी के बारे में। तो रोहित जी, जैसा कि आप किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके पर्सनल लाइफ के बारे में लोग ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन क्या हुई और आप कितने भाई बहन हैं, कैसे ये सफ़र कितने उम्र में आपने शुरू किया? जी, ये संगीत का सफ़र तो बचपन से ही शुरू था, क्योंकि घर पर माहौल ही संगीत का था। तो जब मैं 7 साल के करीब मैंने पहली बार स्टेज पर गाया था, फिर उसके बाद स्टेज शोज़ काफ़ी कंटिन्यू करे। उसके बाद 2005 में शायद मेरी फर्स्ट एल्बम आई थी, जिसमें एक ही गाना था मेरा, हाँ जी, शीला बॉ। फिर उसके बाद 2006 में मेरी सोलो बिल्कुल एल्बम आई, जो मेरी माजी, जिसको लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। फिर स्कूलिंग वगैरह मेरी सब नोएडा से हुई, फिर उसके बाद अभी हम कुछ टाइम, मतलब 1-2 साल से देहरादून शिफ्ट हो गए हैं। तो ये जो संगीत का शौक है, ये आपको घर के माहौल से ही मिला, या फिर ये खुद से ही आप बचपन से ही जो है गाने का शौक रखते थे? नहीं, घर पर माहौल था तो वो इजी हो गया, और फिर जब धीरे धीरे मैं साथ में शोज़ वगैरह में जाता था मम्मी के साथ, तो वो धीरे धीरे शौक भी बनने लगा कि यार नहीं, सब लोग इतना प्यार देते हैं कलाकारों को, तो खुद भी सोचा कि नहीं, अभी मेरे को भी मतलब कलाकारी करनी चाहिए। फिर मैंने जब गाया तो सब लोगों ने भी सराहा, तो फिर तब से सफ़र जारी है अभी तक। बिल्कुल, और ये सफ़र आगे भी ऐसे ही चलता रहे। और जो आपका जो पहला गीत आया था, जैसे कि शीला वो आपकी पहली एल्बम थी, उसमें जो पहला गाना था वो कौन सा था? उसमें मेरा एक मार्मिक गीत था, वो माँ और बच्चे के बीच में बातें थी, उनके पिताजी फौज में रहते हैं, तो अपनी मम्मी से पूछ रहा होता है कि वो कहाँ हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा ऐसा ऐसा है, तब आएंगे, हम आएंगे, बट उनकी डेथ हो गई होती, बट वो बच्चे को नहीं बता पाती उस टाइम पे, तो उसी के ऊपर वो गाना है।
तो आपका एक गाना जो है बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, वैसे तो बहुत सारे गाने हिट हैं, मैं कौन कौन से नाम लूँ मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, पर आपका एक गाना जो मैं गुनगुना भी रही थी, चंदी बटेणा भैजी कुर्ती कॉलर में, तो उसकी कुछ लाइनें हो जाएं और उस गीत के साथ अगर कोई अनुभव आपके साथ जुड़े हैं तो ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। चंदी बटेणा भैजी कुर्ती कॉलर मा, मेरी भनुली जय चा ब्यूटी पार्लर मा, चंदी बटेणा भैजी कुर्ती कॉलर मा, मेरी भनुली जय चा ब्यूटी पार्लर मा, ब्यूटी पार्लर मा भनुली ब्यूटी पार्लर मा, मेरी भनुली जय चा ब्यूटी पार्लर मा, अरे सुबेर उठी के पहली शीशा भी ते चंदो, अरे फैशन देखी कि भी खूब परेशान रहो, अरे क्रीम पाउडर भी का नखरा चन हजार, अरे खुटियों मा सैंडल पैरी चली जाती बाजार, अरे चंदे बटना भेजी कुर्ती कॉलर मा, मेरी भनुली जय चा ब्यूटी पार्लर मा, ब्यूटी पार्लर मा भनुली ब्यूटी पार्लर मा, मेरी भनुली जय चा ब्यूटी पार्लर मा। थैंक यू। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, और मुझे ना अपने बचपन की याद आ गई जब मैं आपको टीवी पे देखा करती थी और हम जो है अपनी फंक्शंस की तैयारी करते थे और उसमें हमारा ये गाना ज़रूर होता था, तो दर्शकों को भी ना अपनी बचपन की यादें ज़रूर ताज़ा हो गई होगी होंगी। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं और जो आपके बहुत सारे गीत हैं उनमें से आपने बहुत सारे गीत जो हैं लाइव स्टेज परफॉर्मेंस में भी गाए हुए हैं, तो बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंस आपने दी है, तो पहला जो आपका स्टेज परफॉर्मेंस था वो कौन सा था और अनुभव कौन सा था, किस उम्र में आपने पहला दिया था स्टेज? पहला मैं जब 7 साल के करीब था, तब मैंने फर्स्ट स्टेज शो हमारा दिल्ली में शालीमार गार्डन एक जगह, मतलब बहुत ही कम उम्र में 7 साल, जी जी जी, तो वहाँ पर मैंने शुरू मतलब गाया था फर्स्ट टाइम, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, जो आसपास के जो बच्चे उत्तराखंड कम्युनिटी के रहते, तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले एक हमारे प्रीतम भरतवाण जी का गाना गाया था, जागर जो है उनका, नारायणी और सरुली मेरी जिया लगी, वो गाया था मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज पर दिल्ली में। बिल्कुल, और मैं तो ना कंफ्यूज हो रही, एक के बाद एक गाने निकलते जा रहे हैं और मन कर रहा है कि सुनते रहें, तो आपका कोई ऐसा मोमेंट, ऐसा कोई पल जो आपका बहुत यादगार रह गया हो और अभी भी आप जब उसे याद करते हो तो ऐसा लगता है कि वाओ, वो काश वो टाइम फिर से लौट पाता। वैसे आपने उर्वशी रौतेला के साथ भी मुंबई कौथिक में जो गाया था, वैसे तो काफ़ी सारे पल रहते हैं जो यादगार रहते हैं, ऐसे कोई एक पल नहीं, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, तो सारे ही पल यादगार हो जाते हैं, तो ऐसा एक कोई स्पेशल मोमेंट नहीं है, बट ये है जब भी स्टेज पे रहते हैं, लोगों से कनेक्ट रहते हैं, तो सारे वो पल स्पेशल ही लगते हैं फिर। तो दोस्तों, पहली बार ऐसा भी हो रहा है यहाँ पे कि रोहित चौहान जी के साथ उनकी वाइफ, पहली बार आप किसी इंटरव्यू में उनको एक साथ देखने वाले हैं, तो रोहित चौहान जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और मेरे साथ रंजना जी भी हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं और बहुत सारी बातें आज जानने को मिलेंगी हमें, तो थोड़ा जर्नी पे आते हैं और शुरुआत से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रंजना जी और रोहित जी आखिर मिले कहाँ पे। सबसे पहले थैंक यू हॉलीवुड न्यूज़, जो आज हम लोगों को एक साथ, फर्स्ट टाइम मैं रोहित के साथ इंटरव्यू कर रही हूँ, और रोहित को मैं बचपन से जानती थी, बट हम रोहित से मिले थे 2013 में, जो मेरी एक फ्रेंड नेहा जी, नेहा भाकुनी, इंटरव्यू अगर तुम देख रही हो तो थैंक यू सो मच मुझे फाइनली रोहित से मिलवाने के लिए। रोहित से मुझे नेहा ने मिलवाया था, हमारी कॉमन फ्रेंड थी। उसके बाद बस 2013 से और टिल 2019 हम लोग साथ हैं। 2017 में हम लोगों की सगाई हुई, 2018 में हम लोगों की शादी हुई, और बस अब जर्नी चल रही है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत जर्नी रही है आपकी भी, यही शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो रोहित जी, मैं भी ज़रूर जानना चाहूँगी रंजना जी के बारे में कि आप लव कपल हैं और आगे जाके हो सकता है कि लोगों के आइडल लव कपल भी बन जाएं, तो क्या कहना है आपका? बस कहना यही है कि अभी यहाँ पे ना आंखों ही आंखों में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी शादी नहीं हुई है, हम पहली बार यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ नहीं, जब से हम मिले हैं तब से काफ़ी अच्छी जर्नी चल रही है, तो वो मेरे को म्यूज़िकली भी बहुत सपोर्ट करती है, मेरे सारे जो काम हैं उनको मैनेज भी करती हैं, तो उसका उनका बहुत सपोर्ट रहता है मेरी लाइफ में, हर चीज़ में, म्यूज़िक से रिलेटेड हो या पर्सनली कुछ हो,
तो सब में उनका इन्वॉल्वमेंट अच्छे से रहता है। बिल्कुल, और हम सफ़र का मतलब यही होता है जो हर एक स्थिति में हमारा साथ दें। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक रैपिड फायर राउंड की, क्योंकि अभी हम 15-20 सेकेंड का एक रैपिड फायर राउंड खेलने वाले हैं। यहाँ पे आप दोनों ही इंक्लूड होंगे उसमें, और जो सवाल पूछे जाएंगे हो सकता है वो आपके लिए इनके लिए हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके जो फेवरेट लोक गायक हैं उत्तराखंड संगीत जगत में? मेरे नरेंद्र सिंह नेगी जी। बिल्कुल, और लोक गायिका? मेरी मम्मी। बिल्कुल, और अगर आप सिंगर ना होते तो आप क्या होते? मैं सिंगर ना होता तो पता नहीं क्या होता, बट हाँ मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक है और मैंने बहुत खेला भी है, तो मे बी क्रिकेट को मैं परस्यू करता। जवाब मैं भी देना चाहूँगी। सिंगिंग के अलावा इनको क्रिकेट का इतना पैशनेट है ये क्रिकेट के लिए कि एक बार के लिए म्यूज़िक के अगर रियाज करना है सुबह कॉल टाइम हमारे डैडी जी ने, मतलब मेरे ससुर जी इनके फादर जी ने पोल खुल रही है, हाँ 6 बजे का दिया है, तो मे बी वो 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन अगर व्हाट्सएप पे ग्रुप है इनका क्रिकेट का, अगर उन्होंने बोला है कि 5 बजे आपको क्रिकेट खेलने उठना है, तो 4:30 बजे से मुझे उठाने लग जाएंगे कि मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, क्रिकेट खेलने जाना है, फटाफट नहा धो के वॉशरूम क्लीन भी करके और बिल्कुल टिच टाच होके 5 बजे निकल भी जाते हैं। मतलब आप सोचो ना कि क्रिकेट पैशनेट बहुत ज़्यादा है क्रिकेट के। हाँ। म्यूज़िक पैलर ही चलता है इनका। वाओ, मतलब शौक नहीं, इसे भी हम कह सकते हैं दो दो पैशन। बिल्कुल, चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं, और जो आपकी पहली मुलाकात रंजना जी से हुई थी वो कहाँ पे हुई? वो एक जब बड़े में हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई थी, एक शो था वैशाली में। मतलब बचपन से मैं सिर्फ आप एक दूसरे को जानते थे? हाँ, बस जानते ही थे। तो बाकी एक शो हुआ था वैशाली गाजियाबाद में, वहाँ पे हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई थी, फिर तब से कंटिन्यू। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपके जो आइडल हैं जिसे आप आदर्श मानते हैं, जिन्हें आप फॉलो करते हैं? फॉलो और इंस्पायर मैं दोनों ही अपनी मम्मी से बहुत हूँ, क्योंकि मैं ही क्या काफ़ी लोग उत्तराखंड में और पूरे भारत में उनसे इंस्पायर होते हैं और हुए हैं, तो मेरी इंस्पिरेशन मेरी सब कुछ वही हैं। बिल्कुल, तो ये क्वेश्चन जो है रंजना जी से है, देखते हैं वो कितना जानती है रोहित जी के बारे में। अच्छा। तो रोहित जी की बर्थ डेट? ऑब्वियसली मैं जानूंगी, 10th अप्रैल। बिल्कुल, और अगर कहें तो हॉबीज़ तो आपने बता दी उनकी, और क्रिकेट के अलावा और सिंगिंग के अलावा और कोई हॉबीज़? रोहित फूड लवर बहुत ज़्यादा है। मतलब देहरादून में हमें 1.5 साल हो गया, हमने ऐसा कोई आउटलेट नहीं छोड़ा, ऐसा कोई गली कूचे नहीं छोड़े जहाँ पे छोटे मोटे फूड वैन्स हो गए, नॉर्मल आउटलेट्स हो गए, सब जगह हम लोगों ने खाना खाया है। रोहित फूड लवर बहुत ज़्यादा है, और मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मतलब एक रीज़न ये भी था हमारी शादी होने का कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। वो कहते हैं ना कि जो पति का जो प्यार है वो कहीं ना कहीं खाने एग्जैक्टली ले जाता है, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि सबसे ज़्यादा जो फेवरेट उनका खाना है वो कौन सा? उनको सभी पसंद है, बट एक बार के लिए उनको चिकन के आइटम बहुत पसंद है। मतलब चिकन में भी ऐसा नहीं आप चिकन दे दो, चिकन में भी वैरायटी, तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का, चिकन फ्राई, बहुत सारी और भी सारी चीज़ें, मतलब चिकन के अलावा वैरायटी होनी चाहिए उस चिकन में भी। तो मैं भी एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मेरा एक्सपेरिमेंट सारा वो टेस्ट करते हैं, तो बस ऐसे ही चल रहा है। बिल्कुल, रोहित जी सोच रहे होंगे यार ये तो आज सारी बता रही है मेरी। चलो शाम को बताता हूँ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप अगर कहें ना कि डांस के शौकीन हैं आप? मैं डांस का शौकीन तो नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन फिर भी शादी ब्याह में जाते होंगे और कोई एक गाना पर्टिकुलर आपको चाहिए, यही बजना चाहिए? नहीं ऐसे, मतलब मेरे को अगर जहाँ तक हम शादियों वाला डांस ही करते, तो शादी में जो है मैं सिर्फ पहाड़ी गानों पे डांस करता हूँ, मैं हिंदी में डांस ही नहीं करता हूँ। अच्छा। सिर्फ पहाड़ी गाने चलेंगे तभी हम डांस कर सकते हैं, बस वही एक्शन ना, सिर्फ ये वाला एक्शन है और कोई एक्शन ही नहीं है। मतलब इसके अलावा और कोई ऐसे 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 हम दोनों का ही वो है। अच्छा। मतलब सिर्फ पहाड़ी गाने में ऐसे 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 कर लिया, बाकी कुछ नहीं। बढ़िया, अच्छी कंपनी है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सिंगर्स जो हैं अब आ रहे हैं, तो कोई यूथ सिंगर या फिर कोई गायिका जिनका काम आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, जो अच्छा काम कर रहे हैं?
काफी लोग हैं, मतलब अभी नए में तो काफी। आपको एक बताना है। अच्छा एक बताना है। ऐसे तो सभी अच्छा कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से सौरव मैठाणी है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी नए में। और फीमेल में भी काफ़ी हैं, प्रियंका मैर काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं इस टाइम पे। जी की पर्सनली मुझे अच्छा लगता है जिनके काम, तो ये दोनों काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका कोई ऐसा फेवरेट सॉन्ग जो आपके दिल के बहुत करीब है, आपने गाया है जो दिल के करीब, जो क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी थी वही मोमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो सारे सॉन्ग्स मेरे काफ़ी दिल के करीब हैं, जिनमें से गोरी मुखड़ी सजीली है और उसी में एक पौड़ी का बाजार कमला था जिसका अभी फिर से हमने रीमेक करा है उसे, तो वो जल्दी आप लोगों के सामने आएगा नए तरीके से, पौड़ी का बाजार कमला। तो ये गाने मुझे काफ़ी मतलब मेरे करीब है दिल के। ओके तो हो जाए फिर गोरी मुखड़ी सजीली। हे गोरी मुखड़ी सजीली नाक माकी न थूली भली सजनी, गोरी मुखड़ी सजीली नाक माकी न थूली भली सजनी, गाल मा कोयु कालु तिल मेरु दिल लिगी सर्रालु चीकी, अरे गाल मा कोयु कालु तिल मेरु दिल लिगी सर्रालु चीकी, तू एक हजारो माँ गौसेरु बजारो माँ लोग बुले दी, तू एक हजारो माँ गौसेरु बजारो माँ लोग बुले दी, तेरी अदा चन बड़ी कातिल मेरु दिल लिगी सर्रा लुचिकी, अरे गाल माँ कोयु कालु तिल मेरु दिल लिगी सर्रा लुचिकी। वाव बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपका फेवरेट एक्टर हॉलीवुड इंडस्ट्री में कौन है? फेवरेट एक्टर हैं संजू भाई, बहुत अच्छा करते हैं, संजय सिलोड़ी जी, जो उन्होंने अभी मेरा लास्ट गाना भी उन्होंने करा रूप सारम होती, तो वो काफ़ी बहुत अच्छे एक्टर हैं वो उत्तराखंड जी बिल्कुल। और फेवरेट एक्ट्रेस हैं मिनी उनियाल जी। ओके बिल्कुल। तो जो है अभी रंजना जी से पूछते हैं कि बॉलीवुड में अगर फेवरेट एक्टर अगर कहें रोहित जी का कौन है? रोहित को ऑल टाइम फेवरेट शाहरुख खान पसंद है, सभी एक्ट्रेस रोहित को पसंद है, बट जो मेरे को जहाँ तक लगता है ना आयशा टाकिया बहुत पसंद है, क्योंकि टार्जन ये हमेशा देखते रहते हैं, जब भी टीवी पे आती है ये टार्जन देखता है, उसका क्या रीज़न है वो रोहित बताएंगे। नहीं रीज़न कुछ नहीं है, हाँ आयशा टाकिया भी काफ़ी मुझे पसंद है हीरोइन, और भी काफ़ी मुझे परिणीति चोपड़ा बहुत पसंद है और श्रद्धा कपूर बहुत पसंद है। अच्छा हमने तो एक पूछे तो यहाँ तीन आ गए और एक्टर में सिर्फ एक ही बार आया। देखिए आप। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अभी थोड़ा सा एक ऐसे पहलू में आते हैं जो आई थिंक बहुत सारे दर्शक हैं ज़रूर जानना चाहेंगे। तो रोहित जी एक टाइम था जब हम कह सकते हैं कि एक दौर वो भी था, एक दौर आज भी ये भी है, तो लोगों के टेस्ट चेंज हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, दर्शकों के साथ एक दो साल तक ना जुड़े तो ये इंडस्ट्री ऐसी है, दर्शक ऐसे हैं कि भूल से जाते हैं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बातों से? हाँ बिल्कुल, मतलब यहाँ पे क्या हर जगह अगर कंटिन्यूटी ना हो तो फिर काफ़ी दिक्कतें आती है वापसी करने में हर किसी इंसान को। जब आप बीच में जो है कुछ टाइम के लिए नहीं आए, आपके एक वक्त था जब पूरे गानों की धूम मची रहती थी, हर जगह आपके गाने बजा करते थे, शादी ब्याह हो, स्कूल में फंक्शन हो, कहीं पर भी डांस करना हो तो आपके गाने बजा करते थे, फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि आप दर्शकों से जो है जुड़ नहीं पाए, या फिर क्या वजहें थी, क्या कारण थे, और उसमें जो है एक बहुत बड़ा हादसा भी आपका शामिल है, तो उस दौर से आप कैसे गुजरे वो हमारे दर्शक भी ज़रूर जानना चाहेंगे, क्या था वो वक्त? वो था कि जब 2010 में हमारी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था वो पूरे उत्तराखंड को, जिसके बारे में लगभग पता ही है, तो उस दौर से हमारी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि वो इतना बड़ा हादसा था फैमिली के लिए, तो उससे उबरने के लिए काफ़ी टाइम लगा सबको, क्योंकि हम उस टाइम पर मम्मी के साथ रहना काफ़ी इम्पोर्टेंट था सबका, तो उस वजह से थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया, बट हम हाँ ये है कि स्टेज के माध्यम से काफ़ी लोगों से जुड़े रहते हैं, क्योंकि हर जगह मतलब जहाँ भी हम शोज़ करते थे कम से कम 3-4 हज़ार पब्लिक रहती थी, तो उस गैप को उस शोज़ ने भी काफ़ी कवर करा, और जिस वजह से हम बने रहे भगवान की कृपा से। बिल्कुल, लेकिन अब जो है डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और यूट्यूब का ज़माना है, लोग जो हैं अब कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा यूट्यूब में धूम मचाता है कहीं ना कहीं पूछ उसी की है।
बिल्कुल बिल्कुल हाँ, नहीं यूट्यूब का अभी ज़माना शुरू हो गया है, यूट्यूब में काफ़ी चीज़ें अच्छी आ रही हैं, बहुत चीज़ें अच्छी आ रही हैं जिसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ, और डिजिटली आजकल सबसे ज़्यादा हो गया फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, इनमें जो छाया हुआ है तो आम, क्योंकि हर पब्लिक उससे कनेक्ट है उन इन सारे सोशल मीडिया से, तो बिल्कुल इनका महत्व काफ़ी हो गया लाइफ में। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एज अ ऑडियंस अगर कहें, कहीं ना कहीं आप एक सेलिब्रिटी की वाइफ तो हैं ही, लेकिन अगर आपको एक एज अ ऑडियंस की तरफ पे पूछा जाए कि उत्तराखंड संगीत जगत को, हमारी हॉलीवुड इंडस्ट्री को आप किस रूप में देखती हैं, आप क्या देखती हैं और इसका भविष्य क्या देखती हैं, क्या खामियाँ आपको नज़र आती है और क्या बदलाव इसमें आपको देखने को मिले? देखिए, एज एन ऑडियंस, हमारा ऑडियंस के रिव्यूज़ ना हर किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हम खुद ही क्रिटिक्स नहीं बनेंगे, मैं रोहित की क्रिटिक्स नहीं बनूंगी तो शायद वही ना, मैं रोहित की तारीफ करती रहूँ, अरे वाह तुम ये, अरे वाह तुम ये, तो काम नहीं चलेगा। हमें क्रिटिक्स बनना पड़ेगा और ऑडियंस एक ऐसा फेज़ है जो ही कलाकार को बनाती है, और उसी टाइम ऑब्वियसली बात है जब वो नहीं अच्छा करेगा तो बिल्कुल धरती पे आ जाता है। बट ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हो, संस्कृति का, जो हमारी उत्तराखंड संस्कृति का जो भविष्य है वो कहाँ है, मैं आपको बेट करती हूँ ये सवाल आपने हमारे लेजेंड्स थे जो उनसे भी पूछा, आप हमसे भी पूछ रहे हो और आने वाली जनरेशन से भी पूछोगे, तो सिर्फ एक ही जवाब आएगा कि बस ठीक है, चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, गो विद द फ्लो। बट हमारी संस्कृति, कोई भी संस्कृति तब आगे बढ़ती है जब वो डोमिनेट करे दूसरे लैंग्वेजेस को। अब बॉलीवुड इसलिए डोमिनेट करता है क्योंकि हमें हर जगह सिर्फ बॉलीवुड सुनाई देता है। हम गाड़ी में बॉलीवुड सुन रहे हैं, हम मार्केट में बॉलीवुड सुन रहे हैं, हम टीवी में बॉलीवुड सुन रहे हैं, हम मूवीज़ में बॉलीवुड सुन रहे हैं, लेकिन हम इंडिपेंडेंटली उत्तराखंड के लिए तो सिर्फ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट काम कर रहा है ना, हम इंडिपेंडेंटली कितना भी काम कर ले, हम उस रीच तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं बट हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, हम सिर्फ सॉल्यूशन दे सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारा कोई फिल्म बोर्ड नहीं है, फिल्म उत्तराखंड फिल्म बोर्ड नहीं है, और उत्तराखंड फिल्म बोर्ड बनने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा कलाकारों को भी होगा, संस्कृति को भी होगा, जिससे दो चीज़ें बचेंगी। जो हम छोटी छोटी चीज़ें अभी हम छोटे छोटे स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वो सिर्फ कौन सुन रहा है? मेरा गाना रिलीज़ हुआ, मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने सुना, बात ख़त्म हो गई। 12 मिलियन 15 मिलियन तक चले गए, किसने सुना? वो रीच हमारी वो नहीं है ना, हमारा रीच वर्ल्ड वाइड है। हम बॉलीवुड क्यों बड़ा है? क्योंकि उनका फिल्म बोर्ड है। अगर हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को अप्लाई करती है, एक फिल्म बोर्ड बनाए, उसमें ये प्रपोजल रखे कि कोई भी प्रोड्यूसर आया हमारे यहाँ पे लोकेशन देखने ऑल ओवर उत्तराखंड में, कोई भी डायरेक्टर आया, प्रोड्यूसर आया, एक्टर आया लोकेशन देखने, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से, वो फिल्म बोर्ड की तरफ से ये उनके पास जवाब जाना चाहिए कि 40% आप हमारा वो जो फिल्म बोर्ड का वो जो फिल्म बन रही है, 40% एम्प्लॉयमेंट हमारे उत्तराखंड का होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे DOP चाहे आपने मुंबई से मंगा लिया, लेकिन उत्तराखंड के जो और कैमरामैन्स हैं उनका उस DOP के साथ काम होना चाहिए। ठीक है, आपको हमारा DOP नहीं चाहिए, आप मुंबई से DOP मंगवाओ, हमारे कैमरामैन्स को लो। मेकअप आर्टिस्ट हो गए, आपने एक बाहर से बुलवा लिया, बाकी आप हमारे यहाँ से लो। प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन में आप हमारा, बिल्कुल इससे रोजगार भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। आप प्रोडक्शन में हमारा काम लो, हमारा मेकअप आर्टिस्ट का काम लो, और देखो ना उनकी कॉस्ट कितनी बचेगी। रीटा जी, उनकी कॉस्ट बचेगी, जो वहाँ से यहाँ तक आने में उनकी इतनी कॉस्ट लग जाती है, यहाँ का बंदा एक कैमरा करेगा, जो भी उनकी शेड्यूलिंग होगी उस दिन काम करने आएगा, फिर अपने घर चले जाएगा, ना उनको क्या कहते हैं ट्रैवल के एक्सपेंसेस होंगे, ना होटल के एक्सपेंसेस होंगे। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जब इतने बड़े इंडस्ट्रियल्स यहाँ पे आके काम करेंगे तो हम सबके लिए बेनिफिट होगा, और जब 200 करोड़ की शादी उत्तराखंड में हो सकती है, क्या उत्तराखंड में एक उत्तराखंडी चैनल नहीं हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। चैनल से क्या होगा, उसमें हमारे रेगुलर, चलो फिल्म बनेंगी, एक साल में एक बनी, ऐसे बन गई, ठीक है, लेकिन जब उसमें सीरियल्स आएंगे उत्तराखंड के, उत्तराखंड की न्यूज़ आएगी, उत्तराखंड के नॉर्मल गाने आएंगे, उत्तराखंड से रिलेटेड और सारी चीज़ें आएंगी, सत्संग आएगा, इवन आप सोचो ना, सत्संग आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा, सबके लिए बेनिफिट है। वो बेनिफिट है कि नहीं है? तो सबसे दरख्वास्त है ये, अगर वीडियो मेरी माननीय CM साहब देख रहे हो तो प्लीज़ उत्तराखंड बोर्ड का जल्दी से जल्दी आप संगठन कीजिए,
चैनल होना चाहिए, उत्तराखंड का फिल्म एसोसिएशन होनी चाहिए और वो भी बहुत स्ट्रिक्टली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तू मेरा मामा तू मेरा चाचा तो वो बोर्ड बना दिया और इसमें उन्हीं को काम मिल रहा है जिसकी जिससे सेटिंग है। सेटिंग वाला काम नहीं होना चाहिए, सबका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ए ग्रेड का आर्टिस्ट भी होगा उसमें, बी ग्रेड का आर्टिस्ट भी होगा, सिंगर्स होंगे, प्रोडक्शन होगा, मेकअप आर्टिस्ट होंगे, डांसर्स होंगे, सब उसमें होने चाहिए, तभी ये काम चलेगा। और यार एक बारी अगर आप अप्रोच करोगे ना तो सब लोग आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि उत्तराखंड फिल्म बोर्ड से एक प्रस्तावित भी हुए हैं, कुछ नीतियां प्रस्तावित की गई हैं, पर वो कब तक मतलब एक्शन में आती है वो कुछ पता नहीं है, क्योंकि चीज़ें हो तो जाती है प्रस्तावित लेकिन वो एक्शन में कब आएंगी इसका कुछ अता पता नहीं रहता। देखिए ना, मतलब वो हो रही है, वो कहाँ हो रही है हमें नहीं पता चल रहा ना। हम तो आम आदमी, हमें पता चलेगा कि जब एक बोर्ड होगा, वहाँ पे उनकी वेबसाइट होगी, वहाँ पे उनके ऑडिशंस होंगे, हम लोगों के ऑडिशंस होंगे, जो जो वहाँ पे काम करना चाह। हमें तो कुछ नहीं पता, कुछ है भी तो होगा भैया, हमें नहीं पता कहाँ है वो, आसमान में है, धरती में है, कहाँ है हमें नहीं पता। जब चीज़ें प्रॉपर तरीके से आएंगी तभी होगा, और काम सिर्फ हम जनता के लिए कर रहे हैं। जब जनता को ही नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे, हम तो घर में ही बैठेंगे, सारे आर्टिस्ट घर में बैठेंगे। और मैं किशन महिपाल जी की बात से 101% सहमत हूँ और सब लोग सहमत है। लोग इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि जिनकी इतने इतने सालों से पैसे फंसे हुए हैं, अगर वो बोल देंगे तो वो भी नहीं आएंगे, क्यों बोलेगा कोई। उन्होंने आवाज़ उठाई, बहुत अच्छा करा। पीठ पीछे सब बोलते हैं, सब बोल रहे हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वो ऐसा नहीं हो रहा। ये बात अगर आप हमारी आगे वाली जनरेशन से पूछोगे ना, आने वाली, बच्चों के बच्चों से बच्चों से, उनका भी यही रहेगा अगर चीज़ें सीमित नहीं हुई तो। बिल्कुल, बदलाव ज़रूरी है और बदलाव तभी आएंगे जब नीतियाँ होंगी और उनमें एक्शन जो है किया जाएगा। और फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जो आपका एक गाना आया था रुपसारा मोती, जिसमें जो है संजू सलोनी ने काफ़ी अच्छा अभिनय किया है, बड़े नए अंदाज में आपने उसे गाया। सो ये जो है बहुत लेजेंड के द्वारा जो है गाया गया है, तो आप इसकी कुछ लाइनें जो है सुना दीजिए और थोड़ा माहौल भी हल्का हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं सुनाता हूँ बिल्कुल। ये हमारे स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी जी ने गाया था, तो उसको मैंने फिर से थोड़ा सा गाया, कोशिश करी, तो वही सुनाते हैं आप। हे रुपसारा घुंघरु ना बजा घुंघरु ना बजा छुम, ओहो रुपसारा मोती घुंघरु ना बजा छुम, छुमा जागी जा मटू मटू जो लो खिल जाए छे चौ, दगाड़ा में झूला दगाड़ा घुमोला बे रुपसा, ओहो रुपसारा मोती घुंघरु ना बजा छुम, छुमा जागी जा मटू मटू जो लो खिल जाए छे चम। हे रूपसा तू रिंगवकी माणी तू सेवक शी दाणी, हे अब निकर निकर भागी तू मेरी निखाणी, मैं तेरो रंगीला बिना घुंघरु ना बजा छुम, ओहो रुपसारा मोती घुंघरु ना बजा छुम, छुमा जागी जा मटू मटू जो लो खिल जाए छे चम, ओहो रुपसारा मोती घुंघरु ना बजा छुम, छुमा जागी जा मटू मटू जो लो खिल जाए छे चमा। आए हाय आए हाय, क्या बात है। और इसमें तो मन कर रहा था कि अभी उठूं और डांस करना शुरू कर दूं। वैसे ये बहुत ही ऐसा सॉन्ग है कि डांस करने को मजबूर कर देता है। अच्छा रोहित जी, और आपके हम जो आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो गाने हैं उनके बारे में जरूर जानना चाहेंगे, कौन कौन से गाने आपके आने वाले हैं। कभी मेरा एक माँ के ऊपर हमने गाना बनाया, सैड सॉन्ग है वो, जल्दी आने वाला है, उसका शूट वगैरह सब हो चुका है। और एक पौड़ी का बाजार का रीमेक फिर से मैंने करा है, तो वो भी बचपन में भी आपने गाया। हाँ बिल्कुल, मैंने बचपन में भी गाया था, तो उसका भी रीमेक करा है, तो वो भी जल्दी आएगा। बाकी एक दो प्रोजेक्ट्स और लाइनअप है, बाकी जब वो जैसे जैसे रिकॉर्ड होंगे तो आपको पता चलता रहेगा। बिल्कुल, ये चंदी पटेणे का भी क्या रीमेक हो सकता है? वो गाने ऐसे हैं कि बच्चे कभी भी डांस करेंगे तो वो हमेशा के लिए, उनके लिए वो गाने हैं जो छोटे में मैंने गाए, कि जब भी बच्चे डांस करें तो उन गानों, वो गाने उनके लिए हमेशा रहें, कि वो उसमें अपने परफॉर्मेंस अपने स्कूल में जहाँ भी दे सके बच्चे, तो उसमें दे सके, तो इसलिए मैं उनको नहीं छेड़ता। बिल्कुल, और कुछ कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो ओरिजिनली इतने अच्छे बन जाते हैं कि जिन्हें अगर छेड़ा जाए तो लगता नहीं कि दोबारा अच्छे बन सकते हैं, ओरिजिनलिटी अच्छी लगती है उनकी। अच्छा रोहित जी, आपके साथ आपकी टीम भी बैठी हुई है, तो थोड़ा इनके बारे में भी दर्शकों को ज़रूर बताइए। हाँ, ये मेरे साथ अभिषेक मिश्रा बैठे हैं। हेलो। और वो आयुष कपरवाण है,
तो ये काफ़ी अच्छा तबला प्ले करते हैं, और ये हमारे जो ड्रम्स में मेन वो माहिर हैं, ड्रम्स प्ले करते हैं ज़्यादा। और आयुष म्यूज़िक वोकल्स भी सीख रहा है और सिंगिंग भी बहुत अच्छी करता है और प्लेइंग भी बहुत अच्छी है उसकी, तो हम लोग काफ़ी साथ में ही काम करते हैं जब भी करते हैं। उत्तराखंड संगीत जगत का जो आप फ्यूचर है और एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे कि जिस टाइम से आप गा रहे हैं वहाँ से लेके अभी तक आपने बहुत बदलाव देखे होंगे, कुछ चीज़ें पूरी हुई होंगी लेकिन कुछ चीज़ें नहीं हुई होंगी, आपको क्या लगता है क्या उत्तराखंड संगीत जगत में और क्या क्या चीज़ें हैं? उत्तराखंड संगीत जगत में मतलब जब से मैं जानता हूँ तब से, अब तो खैर काफ़ी उत्तराखंड क्या, जब पूरी दुनिया में जब चेंजेस आ रहे हैं तो हर जगह आने भी चाहिए, टाइम के साथ साथ जो चेंजेस होना चाहिए वो हो रहा है, और कुछ अच्छा भी हो रहा है कुछ बहुत बुरा भी हो रहा है। मतलब बहुत आजकल तो आप काफ़ी चीज़ें मैंने देखी है कि कुछ भी आ रहा है यूट्यूब में, तो वो भी गलत है। मतलब मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है, बट मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ एक हर चीज़ ध्यान में भी रखनी चाहिए। मतलब जिस हम एक सांस्कृतिक जगह माना जाता है उत्तराखंड, धार्मिक सांस्कृतिक, तो उसको भी मायने मद्देनज़र रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि बहुत चीज़ें अच्छी हो रही। मतलब मॉडर्नाइजेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ गाने कुछ चीज़ें बहुत ही आपत्तिजनक आ जाती हैं, जो कि वो अच्छा नहीं है। बाकी तो समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो उस हिसाब से उत्तराखंड क्या, हर किसी को उसी के हिसाब से चलना चाहिए। और क्या उम्मीदें दिखती हैं आपको कि एक उत्तराखंड संगीत जगत का अगर भविष्य कहें तो आप क्या देखना चाहेंगे उसमें, और क्या चीज़ें आप अपने अगर कोई ड्रीम बनाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप भी ये सोचते होंगे कि काश ये चीज़ होती जो नहीं हो रही है उत्तराखंड में? बस यही है कि ऐसा कुछ चीज़ें हो जिससे कि, क्योंकि हम कलाकारी फील्ड से हैं तो हम चाहेंगे कि ऐसी चीज़ें हों कि जिससे एक कलाकार को इस लाइन में आने में शर्म ना आए, इस लाइन में आने में वो सोचे ना कि यार कि यहाँ पे मैं आगे सर्वाइव कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ऐसा एक कलाकार का महत्व होना चाहिए हमारे उत्तराखंड में कि लोग उसे देख के इंस्पायर होके आएँ, ना कि ये बोल के चले जाएँ कि यार उनका कुछ नहीं होता, कलाकार तो ऐसी हैं वैसी हैं, जो भी बोले ऐसा ना हो, उनको देख के 10 जने आने की सोचे कि हमें भी ऐसा बनना है, ना कि हमें ऐसा नहीं बनना है, ऐसा ना हो। बिल्कुल, और उत्तराखंड के कलाकार कहीं ना कहीं उत्तराखंड की शान है, तो वैल्यू और रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए। सिर्फ मैं जहाँ तक समझता हूँ उत्तराखंड का एक म्यूज़िक ही है जो लोग बाहर जानते हैं, वरना अगर आप उत्तराखंड का म्यूज़िक हटा दें तो शायद ही लोग उत्तराखंड को पहचान पाएंगे कि उत्तराखंड, क्योंकि जो यहाँ पे धार्मिक और एक सांस्कृतिक, इन दोनों चीज़ों की वजह से उत्तराखंड को जाना जाता है। उत्तराखंड के गाने हो गए, उत्तराखंड के मंदिर हो गए, यही दो चीज़ ऐसी हैं जो उत्तराखंड को दर्शाती हैं, तो इन दोनों चीज़ पे हर किसी को ध्यान देना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को और सब लोगों को भी, आम जनता को भी इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि इन दोनों चीज़ों को हमें हमेशा अच्छे से रखना, ताकि लोग इसमें आएँ और उत्तराखंड का नाम रोशन करें। बिल्कुल, और ऐसे ही नाम रोशन होता जाएगा उत्तराखंड का अगर अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ आते जाएँ और अपने टैलेंट से अपनी पहचान बनाते जाएँ। अच्छा, हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन और भी है जहन में मेरे कि जैसे कि आज आप कल देख रहे होंगे कि युवा सिंगर्स काफ़ी सारे आ गए हैं और आप कह भी रहे थे कि अब हर कोई बहुत ईजी हो गया अपने आप को पेश करना, मैं हर किसी में ये बोलती भी हूँ, तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में जो मैशअप्स बना रहे हैं और पुराने गानों को रिक्रिएट करके फिर से गाते हैं, पर एक कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो एक टैग लग जाता है, उसी के पीछे भीड़ चाल सब कहीं ना कहीं चल रहे हैं। नए आर्टिस्ट काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि किन किन चीज़ों से, हाँ एक्चुअल में जो मेन कलाकार हैं उस गाने के, उनको तो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने संगीता जी का भी सुना था तो उन्होंने बोली थी वो बात कि कहीं ना कहीं उस कलाकार को भी दुख पहुँचता ही होगा जब वो एक ही जगह पर जाते होंगे और लोग बोलते होंगे कि उसका गाना चला दो, जबकि वो होता किसी और का होता है, तो बिल्कुल। बट हाँ, मैशअप्स का मैं खिलाफ भी नहीं बोलूँगा और रीमेक के भी नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे गाने जो अब लोगों के दिमाग में आए हैं, जैसे अभी फ्वां वगैरह आया जो सुना हुआ था, बहुत लोगों ने सुना हुआ भी था, बट अब वो सुनने वालों की तादाद 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई वही गाना, तो ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं, अच्छा है, क्योंकि नई जनरेशन को जोड़े रखना भी इम्पोर्टेंट है, और वो उस गाने के थ्रू अगर जुड़े हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, अच्छा चलिए अब हम जो है एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कोई संदेश अगर आप अपने जो है दर्शकों को देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। संदेश बस यही है कि उत्तराखंड की जनता से भी और सभी लोगों से दरख्वास्त है कि अपनी म्यूज़िक को लेके बहुत अच्छे काम करें, अच्छा नाम करें,
जिससे कि हमें आउट ऑफ उत्तराखंड भी लोग उतना ही प्यार दें जितना उत्तराखंड में देते हैं म्यूज़िक को लेके। म्यूज़िक की वजह से हमारे उत्तराखंड का नाम ऐसा हो कि जिस जैसे ही हम और लैंग्वेजेस को और कम्युनिटी को हम बहुत ऊपर मानते हैं, वैसे ही बाहर के लोग उत्तराखंड की कम्युनिटी को बहुत ऊपर माने म्यूज़िक से रिलेटेड। तो ये थे हमारे साथ बेहतरीन आवाज़ के धनी रोहित चौहान जी। ये उस समय के कलाकार भी हैं जब पैसे देकर प्रमोशन या फैंस नहीं मिलते थे, साथ ही अपने खुद की मेहनत के बलबूते उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। रोहित चौहान जी जैसा फील शायद ही गीतों को लेकर अब उत्तराखंड में किसी और युवा गायक में देखने को मिले। चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात कराऊंगी, किसी एक और हस्ती से फिर से रूबरू कराऊंगी। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और खबरें जानने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हॉलीवुड न्यूज़ यूट्यूब में, और साथ ही फेसबुक पर लाइक करना ना भूलिएगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।